आप देख रहे हैं ग्रामीण टीवी समाचार। हमारी खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को भी दबा लें। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में परछाई फाउंडेशन की तरफ से राजानगर एएम आलिया स्कूल के साथ मिलकर गरीब बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया, जिसमें चीफ गेस्ट के रूप में जोनी फोस्टर, अशफाक आलम, सोनिया सिंह, समीम अख्तर, मजर अली, अमरुल्ला खान, ये सभी मौजूद रहे। हुआ है परचे फाउंडेशन का, इसके माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश दूंगी कि हमारे जो सोसाइटी के पेरेंट्स हैं वो ये समझे कि हमारे बच्चों की एजुकेशन कितनी जरूरी है। सिर्फ एक कमाना ही मोटिव नहीं है, मेन जो थिंग है कि लड़कियों को बाहर नहीं जाना चाहिए। ये कहा जाता है कि आप घर में रहो, काम काज करो, ये भी कि आप बाहर जाके आजकल सेफ भी नहीं है, पर हम लड़कियों को इतना कैपेबल बनाना चाहते हैं स्टडी से, बॉडी से। माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? नमस्ते, मेरा नाम मुस्कान खान है और हम परछाई फाउंडेशन के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं और हमारा जो एनजीओ है मोस्टली एजुकेशन हेल्थ एनवायरनमेंट पे काम करता है, यानी कि गरीब बच्चों के लिए एजुकेशन, उन बच्चों के लिए जो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते या जिनके पेरेंट्स उन्हें पढ़ाना नहीं चाहते, उन लड़कियों के लिए जिनकी माँ बाप स्पेशली लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते। हम लड़कियों के सेल्फ डिफेंस के लिए भी काम करते हैं, उन गाँव जहाँ की लड़कियाँ जिनको सेल्फ डिफेंस का मतलब नहीं पता, उनके साथ अक्सर ट्रेजिडी हो जाती है, तो उसके लिए हम काम करते हैं। परछाई फाउंडेशन का जो प्रोग्राम हुआ है, इसके माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, यहाँ पर हमने परछाई फाउंडेशन स्कूल में एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेंटर खोला है, जिसमें हम क्या करेंगे, मॉर्निंग में तो स्कूल चलेगा लेकिन इवनिंग में जो हम क्लासेस कराएंगे वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। हम निःशुल्क शिक्षा केंद्र खोला है, परछाई फाउंडेशन खोला है, इसमें हम लोग एक टीचर भी रखेंगे, इसके अलावा हमारे ही अपने कोई मेंबर्स एक दिन दो दिन पढ़ेंगे, हम लोग यहाँ पर आके बच्चों को पढ़ेंगे। हमारा मेन मकसद है क्वालिटी एजुकेशन में काम करना है। एजुकेशन, जब बच्चा एजुकेट होगा तो वो अपने माँ बाप को बता सकता है कि हाँ क्या मैं हूँ, क्या कर सकता हूँ। लेकिन एजुकेशन हमारा पहला हथियार है किसी भी चीज़ के लिए, अगर बच्चा एजुकेट होगा तो वो बहुत कुछ कर सकता है। यही हमारा उद्देश्य है कि हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करें। देखिए, यहाँ ये जो कम्युनिटी है इसमें ज़्यादातर बच्चे बिल्कुल गरीब हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप ही नहीं हैं या माँ बाप हैं तो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक हैं। तो हमारा मेन मकसद है इन जो वीकर सेक्शन है ये बच्चों का, इनको हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएँ और इनको बहुत से अच्छे इनको तालीम दे सकते हैं। आपका नाम सर? मेरा नाम शुएब अहमद, मैं रेजिडेंट हूँ परछाई फाउंडेशन। कार्यक्रम हुआ है, इसके माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? हम इसके माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, या वो गरीब हैं या अमीर हैं, इससे कोई मकसद नहीं, बस मतलब सिर्फ इतना है कि ये बच्चे पढ़ें और देश का भविष्य बने, कुछ आगे करें। इन्हीं में से कोई अब्दुल कलाम आजाद होगा, कोई मतलब कोई भी अच्छा काम कर सकता है, वो साइंटिस्ट भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन यही बच्चे हैं जो देश का भविष्य है और इन्हें ये चीज बनवाने के लिए, करवाने के लिए हम लोगों को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इनके साथ में। फाउंडेशन का कार्यक्रम हुआ है, इस उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बेहद खुशी की मसरत की बात है कि अभी भी कुछ लोगों के जहन में, दिल में समाज के लिए एक आग और एक फिक्र, एक बरकरार है।